Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul, I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको योगा साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ. ये प्रश्न विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि बी ए, बी एस सी, एम ए, एम एस सी, पी जी डिप्लोमा, नेट आदि जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं योगा से संबंधित, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है. और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस कोर्स और अन्य यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी, BHU, गुरुकुल कांगड़ी, देव संस्कृति, पातंजलि और अन्य सभी यूनिवर्सिटी के योगा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे. और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम्यक कर्मा ऑफ द एट फोल्ड पाथ इंक्लूड्स. इसके जो पहले के क्वेश्चन है उनका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा. यहाँ पहला क्वेश्चन है, द सम्यक कर्मा ऑफ द एट फोल्ड पाथ इंक्लूड्स. जो सम्यक कर्मा है ऑफ द एट फोल्ड पाथ उनमें क्या क्या शामिल है. ऑप्शन है चैरिटी, नॉन वायलेंस, वर्चुअल डीड्स, डी ऑल ऑफ द अबव. तो सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव. द सम्यक कर्म ऑफ द एट फोल्ड पाथ, जो सम्यक कर्म है एट फोल्ड पाथ के उनमें चैरिटी, नॉन वायलेंस, वर्चुअल डीड्स ये सभी सम्मिलित है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी कृष्णामाचार्य फॉलोड. टी कृष्णामाचार्य ने किसको फॉलो किया. ऑप्शन है लय योग, भक्ति योग, मंत्रा योग, हथ योग. करेक्ट आंसर है हथ योग. टी कृष्णामाचार्य फॉलोड. टी कृष्णामाचार्य ने हथ योग को फॉलो किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग टी कृष्णामाचार्य, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनकरेक्ट. टी कृष्णामाचार्य के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, सही नहीं है. ऑप्शन ए है ही डाइड एट द एज ऑफ 90 ईयर्स इन मैसूर. बी ही वाज एन आयुर्वेदिक हेलर. सी हिज टीचिंग वर बेस्ड ऑन द पतंजलि योगा सूत्र एंड द योगा यजनवल्क्या. डी ही वर डिवोटेड टू वैष्णविज्म. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ही डाइड एट द एज ऑफ 90 ईयर्स इन मैसूर. तो रिगार्डिंग टी कृष्णामाचार्य, टी कृष्णामाचार्य के संबंध में जो ये स्टेटमेंट है ही डाइड एट द एज ऑफ 90 ईयर्स इन मैसूर, ये स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है. और तीनों के जो तीनों स्टेटमेंट है, ही वॉज एन आयुर्वेदिक हीलर, हिज टीचिंग वर बेस्ड ऑन द पतंजलि योगा सूत्र एंड द योगा यजनवल्क्या, ही वर डिवोटेड टू वैष्णविज्म, ये सभी स्टेटमेंट सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है टी कृष्णामाचार्य सर्व्ड एज अ योगा टीचर इन द किंगडम ऑफ. टी कृष्णामाचार्य ने एक योगा टीचर की तरह काम किया, किसके किंगडम में. करेक्ट आंसर है कृष्णा राज वडियार फोर. टी कृष्णामाचार्य ने कृष्णा राज वडियार फोर के किंगडम में एज योगा टीचर के रूप में काम किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ टी कृष्णामाचार्य. इनमें से कौन सा टी कृष्णामाचार्य का एक स्टूडेंट नहीं है. ऑप्शन है टी के वी देसी कचार, के पट्टाभाई जॉइस, बी के एस आयंगर, एस कुवालयानंदा. तो सही उत्तर है एस कुवालयानंदा जो है ये टी कृष्णामाचार्य के एक स्टूडेंट नहीं है. और टी के वी देसी का चार, के पट्टाभाई जॉइस, बी के एस आयंगर ये सभी टी कृष्णामाचार्य के स्टूडेंट थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्वामी शिवानंदा सरस्वती, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. स्वामी शिवानंदा सरस्वती के संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, सही नहीं है. ऑप्शन है ही वॉज द डिसिपल ऑफ विश्वानंदा सरस्वती. बी He lived most of his life in Rishikesh. C. He emphasized on practical application of yoga. D. He founded the DLS in 1946. तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से ऑप्शन डी जो है, He founded the DLS in 1946. ये जो स्टेटमेंट है ये स्वामी शिवानंदा सरस्वती के लिए करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है. और जो तीन ऑप्शन है, He was the disciple of विश्वानंदा सरस्वती, He lived most of his life in Rishikesh, He emphasized on practical application of yoga, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ दुख. इसमें से कौन सा एक दुख का प्रकार है, दुख का टाइप है. ऑप्शन है आध्यात्मिक, आधिभौतिक,
आदि देविक, ऑल द एबव, सही सही आंसर है ऑल द एबव। तो यहाँ पे जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक, ये सभी जो है ये दुख के टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी के फाउंडर कौन थे? करेक्ट आंसर है स्वामी रामा। स्वामी रामा वाज द फाउंडर ऑफ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी के फाउंडर स्वामी रामा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी रामा वाज एग्जामिन्ड बाय साइंटिस्ट एट द मिनिनिंगर क्लिनिक टू स्टडी हिज एबिलिटी ऑफ। स्वामी रामा को एग्जामिन किया गया साइंटिस्ट एट द मिनिनिंगर क्लिनिक से, उनकी जो एबिलिटी है किसको स्टडी करने के लिए। करेक्ट आंसर है वॉलेंटरली कंट्रोलिंग द ऑटोनॉमिक बॉडीली प्रोसेस। वॉलेंटरली कंट्रोल करने के लिए जो ऑटोनॉमिक बॉडीली प्रोसेस होती है उसको स्टडी करने के लिए स्वामी रामा को एग्जामिन किया गया था मिनिंगर क्लिनिक के साइंटिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज स्वामी रामा बॉर्न। व्हेन एंड वेयर स्वामी रामा कब और कहाँ पैदा हुए थे? करेक्ट आंसर है इन 1925 एट टॉली विलेज इन पौड़ी गढ़वाल। 1925 को टॉली विलेज जो है पौड़ी गढ़वाल का, वहाँ पे स्वामी रामा पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग स्वामी रामा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। स्वामी रामा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है? ऑप्शन है, ही वाज द डिसिपल ऑफ बंगाली बाबा। बी, ही वाज ऑनर्ड एज द शंकराचार्य ऑफ कबीर पीथम। ही इंकरेज प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिटेशन फॉर सेल्फ अवेयरनेस। ही डाइड इन 1976 एट टॉली विलेज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। और जो तीनों ऑप्शन है स्वामी रामा के संबंध में ये करेक्ट है। ही वाज द डिसिपल ऑफ बंगाली बाबा। ही वाज ऑनर्ड एज द शंकराचार्य ऑफ कबीर पीथम। ही इनकरेज प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन फॉर सेल्फ अवेयरनेस। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि महेश योगी जी अर्न्ड अ डिग्री इन। महर्षि महेश योगी जी ने किसमें डिग्री अर्न की थी? एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन 1942। करेक्ट आंसर है फिजिक्स। महर्षि महेश योगी जी अर्न्ड अ डिग्री इन फिजिक्स एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन 1942। महर्षि महेश योगी ने फिजिक्स में डिग्री अर्न की थी 1942 में इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग महर्षि महेश योगी जी। महर्षि महेश योगी जी के संबंध में कौन से स्टेटमेंट जो करेक्ट है? ऑप्शन है, ही वाज डिवोटेड टू द अद्वैत वेदांता। ही फाउंडेड महर्षि ओपन यूनिवर्सिटी इन 1998। ही डाइड इन 2008 इन नीदरलैंड्स। ऑल द अबाउट, ये सभी करेक्ट जो ऑप्शन है ये महर्षि महेश योगी जी के संबंध में करेक्ट है। ही वाज डिवोटेड टू द अद्वैत वेदांता, वो अद्वैत वेदांता को डिवोटेड थे। ही फाउंडेड महर्षि ओपन यूनिवर्सिटी इन 1998। 1998 को उन्होंने महर्षि ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ही डाइड इन 1908 इन नीदरलैंड। नीदरलैंड में उनकी मृत्यु हुई 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज महर्षि रमन्ना बॉर्न। महर्षि रमन्ना कब और कहाँ पैदा हुए थे? करेक्ट आंसर है इन 1879 एट तिरुचुल्ली इन मद्रास। 1879 को तिरुचुल्ली मद्रास में महर्षि रमन्ना पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग महर्षि रमन्ना। महर्षि रमन्ना के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, सही नहीं है? ऑप्शन ए, ही फॉलोड अद्वैत वेदांता फिलोसफी। नेक्स्ट ऑप्शन, ही वाज अट्रैक्टेड टू द हिल अरुणाचल। ही इम्पसाइज ऑन सेल्फ इंक्वायरी टू रिमूव इग्नोरेंस। ही कंपोज द पोएम 5 हिम्स टू हिमालयाज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ही कंपोज द पोएम 5 हिम्स टू हिमालयाज, ये महर्षि रमना के संबंध में सही नहीं है। और जो तीनों ऑप्शन है, ही फॉलोड अद्वैत वेदांता फिलोसफी, उन्होंने अद्वैत वेदांता फिलोसफी को फॉलो किया। ही वॉज अट्रैक्टेड टू द हिल अरुणाचल, वो हिल अरुणाचल को पे अट्रैक्ट थे। ही एम्फसाइज्ड ऑन सेल्फ इंक्वायरी टू रिमूव इग्नोरेंस। ये सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का एक कौन सा त्रिरत्न नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है, सामाख्या दर्शन, सामाख्या जनना, सामाख्या आचरण, सामाख्या दृष्टि। तो सही आंसर है सामाख्या दृष्टि। सामाख्या दृष्टि इज नॉट अ त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का जो त्रिरत्न, तीन त्रिरत्न है, सामाख्या दर्शन, सामाख्या जनना, ज्ञान, सामाख्या
आचरण, ये सभी जो त्रिरत्न है जैनिज्म में क्या, और समाख्या दृष्टि, इसका एक त्रिरत्न नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेस्ट द मुद्रास आर डिस्क्राइब्ड, कौन से बुद्धिस्ट टेस्ट में मुद्रास के बारे में वर्णन किया गया है। ऑप्शन है अमृता सिद्धि, अजीता सेना सूत्र, प्रतिमोक्षा, अतंत्या सूत्र। करेक्ट आंसर है अमृत सिद्धि। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेस्ट, जो बुद्धिस्ट टेस्ट अमृता सिद्धि है, इसमें मुद्रास का वर्णन किया गया है, मुद्रास आर डिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचो देशे प्रतिस्ध्यापया स्थिर मसन मत मुना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोचो देशे हियर। सोचो देशे यहाँ पे मीनिंग क्या है। ऑप्शन है राइट परसेप्शन, नियर फॉरेस्ट, संचुतम, नियर रिवर। सही आंसर है संचुतम। तो यहाँ पे सोचो देशे का जो मीनिंग है यहाँ यह है संचुतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचो देशे प्रतिस्यापा स्थिर मसन मत मना, लाइन इज मेंशन इन द, ये लाइन किसमें मेंशन है। करेक्ट आंसर है भगवत गीता। सोचो देशे प्रतिस्यापा स्थिर मसन मत मना, ये जो लाइन है ये भगवत गीता में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्देशे दुर्देशे तहा धरने राज धन्या जनाति का, लाइन इज मेंशन इन, ये जो लाइन है दुर्देशे तहा धरने राज धन्य धन्या जनाति का, ये जो लाइन है ये कहाँ पे मेंशन है। ऑप्शन दे रखे हैं हठयोग प्रदीपिका, घेरण संहिता, गोरक्षा संहिता, हतरत्नावली। करेक्ट आंसर है घेरण संहिता। दुर्देशे टहा दर्रे राज धन्या जनातिका, ये जो लाइन है ये घेरण संहिता में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस इन योगा। भगवद गीता के अनुसार जो योगा में सक्सेस के लिए कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। ऑप्शन है मॉडरेट स्लीप, मॉडरेट रिक्रेशन, मॉडरेट वर्किंग, ऑल द एबव। करेक्ट आंसर है ऑल द एबव। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, भगवत गीता के अनुसार द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस इन योगा, जो सक्सेस इन योगा योगा में सफलता के लिए, मॉडरेट स्लीप, मॉडरेट रिक्रेशन, मॉडरेट वर्किंग, ये सभी जो एलिमेंट हैं ये होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ फेलियर इन योगा। भगवद गीता के अनुसार जो फेलियर इन योगा है उसके लिए कौन से एलिमेंट्स हैं। ऑप्शन है ईगो कॉमा वेल्थ, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, केयरलेसनेस, डाउट, ऑल द एबव। सही आंसर है ऑल द एबव। अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, भगवद गीता के अनुसार जो फेलियर इन योगा में, योगा के लिए जो एलिमेंट्स हैं, अगर योगा में फेलियर होते हैं तो इन एलिमेंट्स के कारण होते हैं। ऑप्शन है ईगो वेल्थ, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, केयरलेसनेस, डाउट, ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रदीपिका विच आर द एलिमेंट्स ऑफ फेलियर इन योगा। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार जो योगा में फेलियर के कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ऑप्शन है ओवर ईटिंग, एक्सर्टन, टॉक्टेटिवनेस, हार्ड रूल्स, कंपनी ऑफ कॉमन पीपल, ऑल द अबव। करेक्ट आंसर है ऑल द अबव। अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रदीपिका, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार द एलिमेंट्स ऑफ फेलियर इन योगा, योगा में फेलियर के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ओवर ईटिंग, एक्सर्सन, टॉक्टेटिवनेस, हार्ड रूल्स, कंपनी ऑफ कॉमन पीपल, ये सभी जो एलिमेंट्स होते हैं ये योगा में फेलियर के लिए होते हैं, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रदीपिका विच आर द एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस इन योगा। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार कौन से एलिमेंट्स होते हैं योगा में सक्सेस के लिए। ऑप्शन है इंथ्यूजम एंड प्रिजर्वेंस, फेथ एंड करेज, अवॉइडिंग कंपनी ऑफ कॉमन पीपल, ऑल द एबव। करेक्ट आंसर है ऑल द एबव। अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रदीपिका के अनुसार जो एलिमेंट्स हैं सक्सेस इन योगा वो हैं एंथ्यूजम एंड परजर्वनेस, फेथ एंड करेज, अवॉइडिंग कंपनी ऑफ कॉमन पीपल, ये सभी एलिमेंट्स होते हैं योगा में सक्सेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पुरुषार्थ, कौन सा इनमें से पुरुषार्थ का एक पार्ट नहीं है, एक भाग नहीं है। ऑप्शन है धर्मा, कामा, मोक्ष, यजना। करेक्ट आंसर है यजना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का जो भाग नहीं है ये यजना नहीं है, धर्म कामा मोक्ष ये सभी पुरुषार्थ के पार्ट हैं, भाग हैं। यहाँ पे आपको योगा के संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं जो कैंडिडेट्स योगा के संबंधित विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बीए बीएससी एमए एमएससी पीजी डिप्लोमा नेट जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के लिए होते हैं। सभी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम है जैसे कि बीएचयू, गुरुकुल कांगड़ी, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दिल्ली, एस व्यासा बेंगलोर, कैवल्य धाम और अन्य सभी यूनिवर्सिटी की जो एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स और वीडियोज लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।